हेलो फ्रेंड, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज हम देखेंगे कि हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को कैसे यूज़ करते हैं। हमारे जो कलर व्हील है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है वो क्या है। तो देखिए, जब हम मेकअप करते हैं तो उससे पहले हमें करेक्शन की नीड होती है, और करेक्शन के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम को ही यूज़ करते हैं। जब हम कंसीलर और कलर करेक्टिंग विद कलर व्हील व्हेन यू मिक्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स टुगेदर, जब हम दो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को, जैसे ये देखिए ये कलर व्हील है, इसमें जो एक दूसरे के अपोजिट कलर्स हैं, अगर हम दोनों कलर्स को मिक्स करते हैं तो ब्राउन बनता है, तो जो कलर की वाइब्रेंसी को ख़त्म कर देता है और हमारे स्किन का कलर है ब्राउन। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को जब हम एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, जैसे कि हम रेड और ग्रीन को मिक्स करेंगे, दे विल कंबाइन टू प्रोड्यूस ए नेचुरल ब्राउन, तो वो क्रिएट होगा कलर ब्राउन। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे फेस पे ग्रे कलर ऑन योर फेस, इट जस्ट मीन यू विल यूज़ द अपोजिट कलर टू न्यूट्रलाइजर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनको मिक्स करके लगा देंगे, क्योंकि अगर हम इनको मिक्स करके लगा देंगे तो हमारे फेस का कलर ग्रे हो जाए। कलर की हमारी प्रॉब्लम है, उसके अपोजिट कलर से हमें करेक्शन करना होता है, जैसे कि हमारे जो अंडर आई डार्क सर्कल होते हैं। तो देखिए, अंडर आई कंसीलर एप्लीकेशन, इफ़ समवन हैज़ ए पर्पल अंडर आई डेट यू वॉन्ट टू कंसील फॉर द बेस्ट रिजल्ट, यूज ए कंसीलर विद ए येलो अंडरटोन और यूज़ ए येलो कलर करेक्टर टू न्यूट्रलाइज द पर्पल अंडर आई फर्स्ट, देन यूज़ ए कंसीलर ऑन टॉप टू मैच पर्सन्स नेचुरल स्किन टोन। तो देखिए, अगर किसी को पर्पल कलर की अंडर आई पर प्रॉब्लम है तो हम उसको किससे करेक्ट करेंगे? तो जो पर्पल है, हमारा पर्पल कलर है, उसके अपोजिट में हमारा होता है येलो कलर, तो हम पर्पल कलर की प्रॉब्लम को येलो कलर से करेक्ट करेंगे। वो वैसे ही हमारे जहाँ, जैसे हमारे पिंपल होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, तो वहाँ पर हम ग्रीन यूज़ करेंगे। और अगर ब्लू कलर की कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी की कूल अंडरटोन होती है, उनके ना ब्लू कलर, जैसे डार्क ब्लू अंडर आई कलर, उनका डार्क ब्लू अंडर आई कलर होता है, तो वहाँ पर हमें ऑरेंज कलर यूज़ करना है। जैसे डार्कर जो हमारी स्किन टोन होती है, जैसे डीप कलर होता है, डार्क कलर होता है, वहाँ पर ब्लू कलर की अंडर आई होती है, तो वहाँ पर हमें ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना है। और जहाँ पे पर्पल है वहाँ पर हमें येलो यूज़ करना है, और मोस्टली पर्पल होती है जो फेयर कलर्स होते हैं उन पर हमें पर्पल कलर की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, तो डार्क ब्लू अंडर आई, देन यूज़ ए कंसील ऑन टॉप मैच द पर्सन नेचुरल स्किन टोन। तो देखिए, सबसे पहले हम करेक्टर करते हैं, तो जिस कलर की हमारी प्रॉब्लम होती है कलर व्हील से, उसका अपोजिट कलर हम उसमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, और अपोजिट कलर लेकर के हम उस प्रॉब्लम को कवर करते हैं, और उसके बाद में हम उसको कंसील करते हैं हमारी मैच के स्किन टोन से। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कलर करेक्टर और कंसीलर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा है इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कंसीलिंग क्या होती है, करेक्टर क्या होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम उसी पर बात करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।